भाग्य अशोक गहलोत जी बहुत विरोधी बैठ जा रहे हैं, वो खुद एसओ जी उनकी है, अगर उनके पास कुछ तथ्य तो करते ही नहीं, वो किसने रोका हो, और इसलिए खाली खिंचा नहीं बिल्ली खंबा नोचे उस तरह की बात है। ईडी ने रोका है, वो कह रहे हैं कि ईडी का लेना, मुख्यमंत्री जी का, मुख्यमंत्री कह रहे हैं ईडी ने 6 बार, अरे भाई एसओ जी ने 6 बार ईडी को लिख दिया। नहीं, एसओ जी ने लिखा नहीं लिखा, बाकी लोगों का उनको क्यों दे रहे एसओ जी? एसओ जी का काम अलग है ना, ईडी सिर्फ अटैच करती है, वही नहीं करी, इसी कारण से आगे कोई असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, ना कोई है ही नहीं उनका ही। मुझे अशोक गहलोत जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। बीजेपी से प्रदेश पिछले 4.5 वर्षों से परेशान है, समाज जीवन का कोई वर्ग ऐसा नहीं जो वर्तमान सरकार से खुश है, क्योंकि इसकी नींव ही झगड़े में पड़ी है। एक व्यक्ति कुर्सी से चिपका रहना चाहता है, दूसरा उसका उसके फेविकोल को उखाड़ना चाहता है, उसमें जनता का कोई हित नहीं हो रहा, सारे काम रुके पड़े, इसलिए वो तो समय बताएगा। सर, कोई गुटबाजी नहीं रहती मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, भारतीय कोई चेहरा नहीं, हमारा कमल का फूल चेहरा है, और ये निर्णय ना मेरा हो सकता ना, और हमारा निर्णय सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड करता है, अभी सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड ने कोई निर्णय नहीं किया है, और मैं लगभग 12 प्रदेशों में प्रभारी रहा हूँ, बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहाँ हमने चेहरे के साथ चुनाव लड़ा, बहुत से ऐसे प्रदेश हैं हमने बिना चेहरे के चुनाव लड़ा, इसलिए ये निर्णय हमारा, और ये पार्टी एक सिस्टम की पार्टी है, ये किसी परिवार के आदेश की, व्यक्ति के आदेश की, या किसी युवराज के आदेश की पार्टी नहीं है, ये पार्टी सिस्टम की है, इसलिए अभी हम चुनावी तैयारी में जुटे हैं। बताना, कोई सीएम का चेहरा नहीं है, यहाँ सीएम का चेहरा सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल है, और ये निर्णय सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड करता है। अच्छा, आप देखिए, कोई गणित से नहीं बांध सकते ऐसे विषय। अगर भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 चुनावों का इतिहास देखेंगे राजस्थान के, तो लगभग 30-40% उम्मीदवार बदलते ही हैं। अब कौन बदलेगा कौन नहीं बदलेगा, बहुत समय है, इंतजार करिए नए लोगों का लाना। अगर नए लोग नहीं लाते तो क्या विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनती? नए लोग नहीं लाते तो क्या हम लेजिस्लेटिव इतने लंबे बड़े होते सबसे दुनिया में, हम सांसद इतने लाते? इसलिए भारतीय जनता पार्टी में नई चीज़ों को भर्ती करने का स्वभाव है, लेकिन गुजरात का फॉर्मूला यहाँ लागू होगा, यहाँ का वहाँ होगा, ऐसा हमारे यहाँ 156 सीटें। हर पार्टी को अपना दावा करने का अधिकार है, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर पार्टी अपना अधिकार रखती है दावा करने की। वो तो 23 का चुनाव रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा। जिस प्रकार से प्रदेश पिछले 4.5 वर्षों से परेशान है, समाज जीवन का कोई वर्ग ऐसा नहीं जो वर्तमान सरकार से खुश है, क्योंकि इसकी नींव ही झगड़े में पड़ी है। एक व्यक्ति कुर्सी से चिपका रहना चाहता है, दूसरा उसका उसके फेविकोल को उखाड़ना चाहता है, उसमें जनता का कोई हित नहीं हो रहा, सारे काम रुके पड़े, इसलिए वो तो समय बताएगा। सर, जिस तरीके से बीजेपी के अंदर गुटबाजी चल रही है, आपने भी आज विशेष तौर से कार्यकर्ताओं को यही कहा कि आप लोग गुटबाजी में न पड़े। यहाँ कोई गुटबाजी नहीं रहती मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, भारतीय कोई चेहरा नहीं, हमारा कमल का फूल चेहरा है, और ये निर्णय ना मेरा हो सकता ना, और हमारा निर्णय सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड करता है, अभी सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड ने कोई निर्णय नहीं किया है, और मैं लगभग 12 प्रदेशों में प्रभारी रहा हूँ, बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहाँ हमने चेहरे के साथ चुनाव लड़ा, बहुत से ऐसे प्रदेश हैं हमने बिना चेहरे के चुनाव लड़ा, इसलिए ये निर्णय हमारा, और ये पार्टी एक सिस्टम की पार्टी है, ये किसी परिवार के आदेश की, व्यक्ति के आदेश की, या किसी युवराज के आदेश की पार्टी नहीं है, ये पार्टी सिस्टम की है, इसलिए अभी हम चुनावी तैयारी में जुटे हैं। 23 का चुनाव ओम प्रकाश माथुर भी सीएम का चेहरा राजस्थान, मैंने बताना, कोई सीएम का चेहरा नहीं है, यहाँ सीएम का चेहरा सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल है, और ये निर्णय सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड करता है। अच्छा, आप बहुत, आपके आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर टिकट बांटने को लेकर, क्योंकि ये बात की, इस बात को लेकर जिस तरीके से गुजरात के अंदर आपने सबसे ज्यादा टिकट काटे, तो इस बार भी ये माना जाए कि यहाँ पर भी 100 से ज्यादा नए उम्मीदवार होंगे। आप देखिए, कोई गणित से नहीं बांध सकते ऐसे विषय। अगर भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 चुनावों का इतिहास देखेंगे राजस्थान के, तो लगभग 30-40% उम्मीदवार बदलते ही हैं। अब कौन बदलेगा कौन नहीं बदलेगा, बहुत समय है, इंतजार करिए नए लोगों का लाना। अगर नए लोग नहीं लाते
तो क्या विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनती? नए लोग नहीं लाते तो क्या हम लेजिस्लेटिव इतने लंबे बड़े होते सबसे दुनिया में, हम सांसद इतने लाते? इसलिए भारतीय जनता पार्टी में नई चीज़ों को भर्ती करने का स्वभाव है, लेकिन गुजरात का फॉर्मूला यहाँ लागू होगा, यहाँ का वहाँ होगा, ऐसा हमारे यहाँ सबका भविष्य उज्ज्वल है। सर, संजीवनी शेखावत जो आपकी केंद्रीय मंत्री राजस्थान से आते हैं, उन पर अशोक गहलोत खुद मोर्चा खोले। देखिए दुर्भाग्य, अशोक गहलोत जी बहुत विरोधी पेंट जा रहे हैं, वो खुद SOG उनकी है, अगर उनके पास कुछ तथ्य तो करते ही नहीं, वो किसने रोका हो? और इसलिए खाली खिंचानी बिल्ली खंबा नोचे उस तरह की बात, ईडी ने रोका है, वो कह रहे हैं कि ईडी का मुख्यमंत्री जी ने 6 बार SOG ने लिखा नहीं लिखा, बाकी लोगों का उनको गिर दे रहे SOG। SOG का काम अलग है ना, ईडी सिर्फ अटैच करती है, वही नहीं खड़ी, इसी कारण से आगे कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई है ही नहीं वो मुद्दा ही। तो मुझे अशोक गहलोत जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष चेंज हो रहा सर, ये भविष्यवाणी पत्रकारों के पास नहीं, गजेंद्र सिंह शेखावत।